दमोह जिले की धरा पर आगामी दिनों में 7 मार्च को भारत के महाबहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन होना है। ऐसे हालात में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने सिग्राम पर पहुंचकर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लगातार कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, पुलिस विभाग के मुखिया हेमंत चौहान के द्वारा वहां पर पहुंच करके व्यवस्थाओं का चाक चौबंद वहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने वहां पर पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी भी यहां पर मौजूद रहे और लगातार ही वे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी बुजुर्ग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो परिवार बाकी काफ़ी प्रतिष्ठित जो आदिवासी हैं, वो संख्या कितनी होगी? करीब 42-44 50 नहीं करना चाहिए, सिलेक्टेड अपने आमंत्रित सूची करना चाहिए उनको मिलवाने के लिए। इसी के साथ करें ना, जैसे जब इसी में से आगे भाई साहब, इसी में साथ करें। थैंक यू। सर मोमेंटो के लिए इस टाइप का सोच रहा था, वहाँ से ऐसा ठीक रहेगा सर? किला और मूर्ति टाइप का, मतलब ये हस्तशिल्प वालों को भेजा था सर मैंने, ऐसा कुछ बन गया उन लोगों ने भेजा, मतलब या और क्या कर सकते देख रहे हैं सर? हाँ सर, उनसे गहना से बनवा ली तो फिर भी यही बनाया अपने यहाँ से जीत है सर। तो हम अभी उनसे यहाँ का कौन देख रहा है? कहने भैया जी सब पत्थर एक लाइन से कर दो यार, संभल के ऐसे लगा देंगे, खराब हो रही बीच में, दोनों यहाँ कर देंगे ना ऐसे लाइन और टूटे ना जो ध्यान में। हाँ बता दो, इसका अपन ने क्या प्लान किया था? ये बता चुके मुझे। हाँ सर, तो इसके कट करके इसको पीछे अलग कर देंगे, बाद में करके ठीक कर देंगे, और इसको बाकी टाइल्स वगैरह लगने हैं। थोड़ा और पास आ जाए सर तो मैं पूरा, ये दोनों पत्थर हटवा दें। मंडल मोटा ऐसे रखेंगे इस तरफ, नहीं नहीं ऐसा तिरछा बनाओ, ऐसा 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 बनाओ, अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पर वो बैठे माँ महिम, हम ऐसा कोई एरिया ऊपर नहीं करते, यहाँ बना दें स्टेज के बराबर में, एक स्टेज बना दें स्टेज के बराबर में, ठीक है उसको वर्कआउट कर लेता हूँ। ठीक है, डीके पैरेलल हो जाएगा वो, ठीक है ठीक है, जाके ठीक है, इधर को भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर उसमें कहीं से कवर नहीं करेंगे, ओपन रखेगा जैसे, नहीं फोरर बना देते ओपन, जी जी ओपन बता देते, ठीक है ठीक है भाई। ये डी से सटे हुए, सटे हुए जी, तो इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, तो बाकी लोग एल ई डी जो लगेगी वो देखते हैं। देखिए मुझे लगता है कि पिछले 5-6 वर्षों में हम लोग वीरांगना रानी दुर्गावती जी का जन्म दिवस मनाते थे, मुझे लगता है कि इतिहास में तो चीज़ें बड़ी साफ लिखी गई हैं। कलचुरी काल से लेकर गोंडवाना काल के बीच में सिंगौरगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उनके अवशेष भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शायद वो स्थान नहीं मिला। हम लोग सौभाग्यशाली हैं दमोहवासी कि महामहिम राष्ट्रपति उस स्थान पर पधार रहे हैं। इस सिंगौरगढ़ किले का और उसके आसपास जितने भी रमणीय स्थान हैं उनके सौंदर्यीकरण का काम
ASI और बाकी संस्थाएं मिलकर कर रही हैं, और इसलिए मैं महामहिम के आगमन पर हम सब उस तैयारी में जुटे हैं कि उनके सम्मान में कोई कमी ना रहे। उनकी मूल जो इच्छा है वो जनजातीय बंधुओं से मिलने की है, तो जो भी रानी दुर्गावती के परिवार में वंशज, उनके सेना के प्रमुखों के से जुड़े हुए लोग होंगे, हमारी कोशिश होगी कि उन वरिष्ठों को महामहिम से भेंट करवाएं जो उनकी मूल इच्छा है। मैं उनका आभारी भी हूँ कि उन्हें ये बात मुझे कही थी कि मैं चाहता हूँ कि कोई जिस जनजातीय कार्यक्रम में मैं जाऊँ, तो उसके लिए सिंगरगढ़ से बेहतर जगह नहीं हो सकती थी जो उनकी पहली राजधानी थी।